ट्रेलर रिलीज किया गया है ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको ट्रेलर क्यों बोला जा रहा है। ट्रेलर मतलब होता है प्रॉपर एक ऐसा सीन का एक कॉम्बिनेशन जो कि फिल्म के बारे में आपको बताता है, लेकिन यहाँ पे इसको अगर अच्छा होता टीजर बोला जाता। लेकिन फिल्म आडो जीवितम यानी द गोट लाइफ का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। आपको बता दूं कि डायरेक्टर ब्लेसी द्वारा ये फिल्म लिखा और निर्देशित किया गया है और एक नॉवेल आडो जीवितम पे इस ये बेस्ड है। 2009 में जो ब्लेसी है उनको ये स्टोरी मिली थी, उसके बाद इन्होंने इसको अपने नाम पर रजिस्टर करवाया, उसके बाद फिल्म की कहानी पर काम करना इन्होंने स्टार्ट किया। कुछ सालों तक वो प्रोड्यूसर ढूंढते रहे, कोई मिला नहीं फिल्म बनाने के लिए। फाइनली 2015 में एक प्रोड्यूसर मिला और फाइनली 2019 में फिल्म का शूट जो है वो स्टार्ट हुआ। लेकिन उसके बाद जैसा आपको बताया 2020 में कोविड के दौरान फिल्म जो है वो डब्बा बंद हो गई और इसका क्रू जो था वो 70 दिनों तक एक रेगिस्तान में फंसा हुआ था। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने वहां से पूरी टीम को रेस्क्यू किया था। तो ये फिल्म की जर्नी बहुत ही लंबी रही और फाइनली फिल्म 28th of March यानी 28 मार्च को रिलीज हो रही है। देखो फिल्म में जब आप ये ट्रेलर देखोगे इसका तो आपको पता चल जाएगा किस बारे में एक स्टोरी है। एक स्टोरी है एक मजदूर की जो कि है एक बकरी चरवाहा। जी हाँ, वो बकरी चराने काम करता है एक बाहर की कंट्री में, रेगिस्तान में, और वहाँ पर कैसी उसकी लाइफ है, किस तरीके से वो जी रहा है वहां पे, किस तरीके से उसको जीना नहीं बोलते उसको, किस तरीके से वो सरवाइव कर पा रहा है, यही आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और पृथ्वीराज सुकुमारन जिनको लास्ट आपने देखा होगा फिल्म सालार में, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उनकी जो एक्टिंग है ना, इसमें जब आप देखोगे इसी कुछ मिनटों में आपको लेवल पता चलेगा कि किस लेवल के एक्टर है वो। बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, एकदम मतलब मजा जाएगा आपको ये ट्रेलर देख के। और एआर रहमान सर का म्यूजिक है इसमें और मजा आने वाला है। फिल्म जो है मलयालम, हिंदी, तमिल, तेलुगू और कन्नड़ लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है 28 मार्च को। तो एक मास्टरपीस फिल्म होने वाली है, नो डाउट। तो आप लोग इसको मिस मत करना और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो अच्छा लगा तो वीडियो कर दो लाइक। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।